ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो आज हम बात करेंगे अडल्ट्री के ऊपर, कुछ सवाल जवाब, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मतलब होता है यार लोगों में ना, यूथ में ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारी है अडल्ट्री को लेके, ठीक है। तो हम कुछ डाउट्स वो करेंगे क्लियर। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार जो अडल्ट्री है वो तो खत्म हो गया था, तो डाइवोर्स कैसे होगा, ये वो ब्ला ब्ला ऐसे बोलते हैं मतलब। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अडल्ट्री है ना वो एक इंग्लिश टर्म है। पहली बात तो अडल्ट्री का मतलब होता है जारता, यानी कि मैरिड वुमेन के साथ आप जो अफेयर रखते हो उसको बोलते हैं अडल्ट्री, ठीक है। अब पहले क्या था, मतलब 497 IPC एक वो थी, मतलब क्राइम थी, तो बस वो क्राइम हटा है, लेकिन जो ग्राउंड्स है वो तो रहा है ना डाइवोर्स के लिए। तो ये ग्राउंड्स नहीं हटा है, जो क्राइम था वो हटा दिया है, यानी कि जो पनिशमेंट होती थी वो हटा दिया गया है। ग्राउंड्स वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। उसका जो मीनिंग है वो भी वही है, पनिशमेंट नहीं होती किसी को। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज यार हमारी ना मतलब वाइफ है जो वो अडल्ट्री में है तो क्या करें। तो देखो भैया, अब अगर आपने पक्का मन बना लिया है भी उसके साथ रहना नहीं है, ठीक है, तो देखो डाइवोर्स लो, ठीक है। अब डाइवोर्स के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसका सारा कुछ, तो वो तो हम आपको यहाँ पे बता नहीं सकते कि भी कैसे प्रूफ करें। उसके लिए आप हमें मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यार देखो वो चीज़ बताएंगे ना फिर लोगों को मतलब अनबायस्ड हो जाएगी जो चीज़ है ना, वो मतलब समझ रहे ना, फेयर नहीं होता वो यहाँ पे बताना। हालांकि हम बता सकते हैं, पर थोड़ा कैमरे पे ना हर चीज़ नहीं बोली जाती, ठीक है। तो आप डाइवोर्स लो बिल्कुल, अगर आपने पक्का मन बना लिया डाइवोर्स लो, ठीक है। भाई आपकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा हद हो गई है और आपको पता है, तो आप डाइवोर्स लो, ठीक है। कुछ लोग मेंटेनेंस के लिए डरेंगे, भाई डाइवोर्स होगा तो मेंटेनेंस, क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी, तो मेंटेनेंस से नहीं, कुछ वो नहीं होगा, क्योंकि हम ग्राउंड बना देंगे कि वो अडल्ट्री में, तो अडल्ट्री का जो ग्राउंड है उसको मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो कुछ नहीं ले पाएगी, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, मतलब गुड फेथ में बता रहा हूँ। हालांकि जो है होता है बस प्रूफ, ठीक है, करना पड़ेगा आपको प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू। कहने का मतलब ये, जो क्वेश्चन उठाता है ना, जो कंप्लेन करने जाता है कुछ भी, उसको ही प्रूफ करना पड़ता है। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी है वो चोरी हो गई है, ठीक है, तो पहले मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा कि मेरे पास गाड़ी थी, उसकी डॉक्यूमेंट्स दिखानी पड़ेगी। सिमिलरली आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी जो वाइफ है वो अडल्ट्री में है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सर जो मतलब हमारे हस्बैंड है वो किसी की मतलब अडल्ट्री में है, ठीक है, और बस आपके पास प्रूफ नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें एक काम हो सकता है, सपोज आपका जो हस्बैंड है वो अडल्ट्री में है किसी और के चक्कर में, तो आप जो लड़की है ना वो उसका थोड़ा बहुत पता निकाल के, सपोज उसका पता निकाल के उस पर उसके घर जाके आप बोल सकते हो कि भाई ये है, ये ऐसा कर रही है मेरे हस्बैंड के साथ, इसको समझा लो, अदरवाइज मतलब इंसल्ट होगी अच्छी वाली। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मतलब पुलिस के पास जाएंगे, तो यार देखो एक बात बताऊँ आपको, पुलिस के पास आप नहीं जा सकते, ना ही आप कोर्ट जा सकते जब तक आपको डाइवोर्स नहीं चाहिए। सपोज आपका हस्बैंड का अफेयर है या वाइफ का अफेयर है, तो पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अलाउड कर दिया है ना अफेयर करना, क्योंकि वाइफ की प्राइवेसी है भाई, वो किसी को भी पसंद करे, या हस्बैंड की प्राइवेसी है वो किसी को भी पसंद करे, ठीक है। अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको फ्यूचर में, मतलब लास्ट में। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लॉ पास कर दिया ऐसे ऐसे, तो देखो यार ये गारंटी नहीं है, कल को मान लो कोई पेटिशन डल जाए ना, रिव्यू हो जाए इस चीज का, तो ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है। कहीं आप सोच रहे हो कि अफेयर करना अलाउड हो गया तो लाइफ टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कल को कोई संघ के एडवोकेट आ गया, भाई उसने PIL फाइल कर दी, इसको रिव्यू करो भाई क्या है ये, ठीक है, तो रिव्यू भी हो सकता है, आर्टिकल 142 अपना वो यूज कर सकता है। कोई जरूर नहीं है कि अब हो रहा है तो हमेशा ही हो गया, ठीक है, परमानेंट चीज नहीं है भाई, जब तक है ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको चांसेस हैं इसको हटाने के, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि हाँ भाई अगर आपका हस्बैंड है वो अडल्ट्री में, तो उस जो लड़की है उसका पता वता निकालो, उसके घर जाके आप बोलो, ठीक है। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, अब एडवोकेट के पास भी जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार अलाउड ही है। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तब आप एडवोकेट के पास जाओ, अदरवाइज आप एडवोकेट के पास मत जाओ, ठीक है। आपको मान लो कोई गुमराह करेगी भी, ऐसा हो जाएगा, तो यार देखो कुछ कोई फायदा नहीं है, पहले उतारो, पुलिस उसमें कोई एक्शन ले नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब एक और केस आता है, सपोज क्या है, लड़की है ना जो मैरिड वुमेन है वो किसी के साथ अफेयर में थी सपोज, ठीक है। अब उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि भाई जो मेरी वाइफ है वो अफेयर में है, वो क्या करते हैं, वो लड़की पे दबाव बनाता है कि भाई इसके खिलाफ रेप केस कर, ठीक है, वो रेप केस कर मतलब कर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो यार देखो अगर किसी का अफेयर है मैरिड वुमेन के साथ, तो उसको बोलना चाहिए कि ये रेप का केस है ही नहीं, ये अडल्ट्री का केस है, ठीक है। आपको ना थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी अवेयर है, ऐसे तो भाई आपको टांग देगा कोई भी कोर्ट के चक्कर में कि भी तेरे पे रेप केस लग गया। तो अगर मान लो आपका जो अफेयर है वो पकड़ा जाता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वो रेप है ना वो रेप नहीं दिखाना, आपको दिखाना है कि ये अडल्ट्री है, अडल्ट्री समझ लो, ये जारता है भाई, जारता, और जारता अलाउड है इंडिया में, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कोई भी रिकॉर्डिंग पड़ी हो, मान लो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग पड़ी हो, या कोई वीडियो वगैरह, या कोई फोटो पड़ा हो,
भाई अडल्ट्री का, रिलेशन का, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि भाई ये रेप केस नहीं है, इसका हस्बैंड के चक्कर में आके ये रेप केस कर रही है, लेकिन ये रेप केस है नहीं। जो ये मैटर है वो अडल्ट्री का है, और अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है। और रेप केस होता है जबरदस्ती, ये अडल्ट्री को तुम रेप केस बना रहे हो क्या ये है? और बहुत सारे स्टेट्स में होता भी है, पता है क्या होता है, पुलिस मतलब वाइफ बोलती है कि हाँ भाई मतलब उसका जो हस्बैंड है वो डालता है दबाव वाइफ पे, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में उस लड़के को बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं कि भाई तेरे से ऐसा ऐसा भाई तेरे पे रेप केस लगेगा, ये हुआ तो सेटलमेंट कर लो, यानी कि रेवेन्यू के पैसे के रिगार्डिंग सेटलमेंट कर लो, ठीक है। बोले लोग होते हैं सोचते हैं यार कौन पड़े कोर्ट के चक्कर में, और फिर मतलब उसको पैसे पुसे दे देते हैं, किसको, लड़की के हस्बैंड को या फिर लड़की को, ठीक है, तो वो देने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना है भाई ये अडल्ट्री का केस है, ठीक है, और रेप होता तो अलग बात है, और प्रूफ अपने आप अपने बचाव के लिए आपको कुछ रिकॉर्डिंग या कोई फोटो पड़ी हो, समझ रहे, कोई प्राइवेट मतलब प्राइवेट फोटो एक साथ वाली या कुछ भी कोई वीडियो, तो उसको आप दिखा सकते हैं कि देखो ये अपनी खुद की मर्जी से इसने अफेयर किया था और ये रेप केस है ही नहीं, ठीक है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम भी मतलब अवेयर हैं, यानी कि आप भी अवेयर हो तब जाके, ठीक है, अदरवाइज ये तो भी किसी को भी, समझ रहे, किसी को अडल्ट्री पहले रिलेशन बनाया फिर रेप केस ही उसे बिगड़ दिया, तो ये मतलब गलत है। तो इस चीज़ का वो उठाओ कि भी जब अडल्ट्री है ही है, क्राइम मतलब क्राइम नहीं है, तो भी रेप केस क्यों करवाएं, क्यों फंसें, क्यों अपनी ज़िंदगी वो करें, तो अवेयर रहो बिल्कुल, ठीक है। और फिर भी कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है मान के चलो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी डीएम कर सकते हो, मतलब क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। अगर अगर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो यार देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है, वो एक तीर सा होगा, उसमें डाओ, उसमें जाओ, ऐसे कुछ नंबर आएंगे वहाँ पे, आप कॉल कर लो, बात बात कर लो, फिर आप अपॉइंटमेंट ले लो, फिर आप पे कर दो, मतलब 99 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है, तो पूरा कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप में इतने गरीब हो आप मतलब पे नहीं कर सकते, या तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, ओके, या फिर हमने एक वीडियो बनाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर वाली, आप वो वाली देख लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे कॉल करना है, ओके, सही हो, इट इज़ क्लियर, चल बाय।